वृंदावन का सीरीज देख रहे हैं वो साक्षात श्री जी के ही स्वरूप है कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म वो दीजियो श्री वृंदावन। इंसान का जन्म जो मिला है मनुष्य जीवन और कैसे सार्थक करना चाहिए, आस्था प्रेमानंद जी महाराज इस प्रकार से फूल माला के साथ वृंदावन की गलियों में आना पड़ेगा। राधे राधे, रंगोली देख सकते हो कितने बड़े रंगोली, ये वाला जो रंगोली बनाई गई इस वाली सभी भाइयों को राधे 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 राधे। तो हम लोग अभी इस समय हैं भाई वृंदावन में, आप लोग वृंदावन का सीरीज देख रहे, तो इस समय हम लोग जहाँ पर है वो मार्ग है जहाँ से श्री प्रेमानंद जी महाराज 2:30 बजे निकलते हैं, तो उनकी स्वागत के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आए हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी स्वागत में कई लोगों ने यहाँ पर फूल मालाओं से रंगोली बनाया, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया और उन लोगों से बातें भी की, वो आप लोग सुनेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, दिखाना चाहते हैं रात भर जग के, कोई 12 बजे आ जाता है रात में, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, तो उनकी झलक पाने के लिए उनकी आश्रम की ओर हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार से रंगोली बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। दो शब्द कहेंगे प्रभु जी आएंगे, दो शब्द मतलब महाराज जी अभी आ रहे जो, और उनके आगमन में इतने अच्छे रंगोली जो आप लोग बना रहे, इनके बारे में दो शब्द थोड़ा सा। प्रभु जी बस ये श्री जी की प्रेरणा है, जिसकी श्री जी की प्रेरणा से ही आज जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, वो साक्षात श्री जी के ही स्वरूप हैं। अच्छा, तो उनके स्वागत के लिए हम जैसे भी हमारे हृदय के भाव रहते हैं उनको इन आकृतियों के रूप में उकेर देते हैं। अभी तो रात को 1:30 बज रहे, कितने बजे से आप लोग ये रंगोली बना रहे हम 12 बजे प्रतिदिन यहाँ पे आ जाते हैं रोज प्रतिदिन अपना, बस यही श्री जी ने सेवा दी है तो भगवान की स्वागत में प्रतिदिन जो है 12 बजे से हम ये रंगोली बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, राधे 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 राधे। तो दोस्तों देखा आपने रंगोली बनाते हुए, आपने ऐसे बहुत से ऐसे रास्ता देखे होंगे, अभी यहाँ पर देखो ये कमल का फूल का रूप दिया जा रहा है जी जी, और क्या रूप है सामने दीप का जी, दिया बना हुआ है, ये दिया बना हुआ है जी। तो कितने बजे से बनाना स्टार्ट किया था? अभी हम लोग 1 बजे आ चुके थे, 1 बजे हाँ। श्री जी की प्रभु जी गुरु जी की श्री चरणों के धूल पड़े जी 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 जी, यही आस्था है हमारी, बना रहे जी जी, यही आस्था है हमारी, यही आस्था है जी। बहुत अच्छे बहन जी, राधे राधे जी, थोड़ी बात करें आपसे, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा शर्मा। तो ये इतनी अच्छी रंगोली बनाना आपने कहाँ से सीखा? सीखा नहीं था, बस ऐसे ही महाराज जी बना रहे थे तो हम भी लग गए साथ में। तो कितने बजे आ गए थे आप? हम लोग 12 बजे। 12 बजे आ गए थे। क्या हर रोज इसी तरह रंगोली? नहीं, हम लोग गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से? गाजियाबाद से कब आया? हम लोग आज आ गए थे, इवनिंग में ही आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो हमें महाराज जी से मिलना था तो उन्हीं का वेट कर रहे थे, तो महाराज जी ये बना रहे थे, तब से इसी में बना। तो महाराज जी के बारे में दो शब्द अगर कुछ कहना चाहे, क्या क्या प्रेरणा मिला आपको कि इस तरीके के रंगोली बनाने के लिए, कहाँ से प्रेरणा मिला? प्रेरणा हाँ, कलयुग में अगर कोई भगवान है तो प्रेम महाराज जी भाई से बात करें। कलयुग में अगर कोई भगवान है और जो आपको सतमार्ग पर ले जा सकता है वो महाराज जी हैं। अगर कोई साक्षात्कार दर्शन कर ले, उनका तेज देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, बस उसे साक्षात्कार का इंतजार करते हुए। कुछ सनातनी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं, बस इंतजार में है कब वो निकले, कब उनके दर्शन हो। सुबह सुबह प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त के साथ जी, बस इतना ही है। राधे राधे। तो आप लोगों ने देखा भाई कितने भव्य तरीके से यहाँ पर सजावट और तैयारी रंगोली के साथ, श्री जी की चरणों की धूल पड़े इसी रंगोली के ऊपर। और भैया राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। कहाँ से? चढ़गांव से। चढ़गांव यही लोकल? मथुरा से। मथुरा से जी। तो ये श्री जी की चरणों की धूल पड़े इस रंगोली के ऊपर, इसलिए प्रेमानंद महाराज जी की कृपा है, ये सब प्रेमानंद महाराज की कृपा है। अच्छा। उनके उपलक्ष्य में करते हैं ये सब। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको तो बहुत पहली बार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम आते हैं, बार बार करते हैं, यही करते हैं, आते रहते जाते हैं। हाँ, आते जाते रहते हैं। तो कितने बजे निकलते हैं वो वहाँ से? हम निकलते हैं 11 बजे। महाराज जी कितने बजे निकलते हैं? 2 बजे निकलते हैं महाराज जी। जी, बहुत बढ़िया।
राधे राधे भाई, राधे 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 भैया। आपका क्या नाम? दारा सिंह मेरा नाम। कहाँ से? हम मथुरा से हैं। मथुरा से? हाँ, डिफेंस जी के पास जी। गुरु जी की एक झलक पाने के लिए ये तैयारी हो रहा है जी। ये समझ लीजिए बस उनका आशीर्वाद है। अच्छा। जो ये सब हो रहा है जी, नहीं हम कौन है करने वाले, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। बस बस काफी अच्छा सुकून भी मिलेगा। सोए भी नहीं होंगे? नहीं बिल्कुल, नींद भी नहीं आएगी। अगर सोने की कोशिश भी करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही चाहता हूँ कि आज की युवाओं के लिए हमारे महाराज जी श्री जी जो आज कहते हैं कि भाई साक्षात बास है उनके अंदर, बिल्कुल तो सच। आज भाई युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही देना चाहेंगे कि ये जो सब जितनी भी सारी मोह माया है, अगर इसे त्याग कर अगर थोड़ा सा प्रभु की श्री राधा रानी जी के चरणों में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जी, तो काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है जी, जी। जो शायद जो हम लोग जीवन जी रहे हैं फिलहाल, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा यकीन भी नहीं रखते हैं, लेकिन अगर दिल में भावना हो, अगर श्रद्धा हो, तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे। यही कहना चाहूँगा बस, उनके जो दर्शन करें बस काफ़ी सुकून मिलता है। जय राधा, जय राधे, जय राधा रानी, जय राधा रानी, जय राधा रानी। भैया भैया आप दो शब्द बोले आप। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा श्री राधे राधे जी, सभी को श्री राधे राधे जी। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें वृंदावन में यहाँ पे श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम ये कह रहे हैं कि श्री राधा रानी जी सब हम पर ही नहीं, जो हम आए हैं हम पर ही नहीं, बाकी सब पर कृपा बनाए रखें और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें सो सबका आनंदमय जीवन हो जाए जी जी जी। मैं तो सभी से आग्रह करूँगा कि सभी अपनी पुरानी रीति रिवाज परम्पराओं के साथ जुड़े रहें। राधा रानी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सभी भाइयों को राधे राधे। इस समय हम हैं वृंदावन परिक्रमा मार्ग से थोड़ा साइड में है। कौन सा मार्ग है ये? जहाँ से हमारे श्री जी महाराज जी प्रमानंद जी महाराज जी यहाँ से निकलते हैं सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच, तो जगह जगह पर आप देखेंगे ऐसे रंगोली बनाते हुए, कोई फूलों का, कोई चंदन का। तो यहाँ पर कुछ भाई देखे आप सभी ने रंगोली बनाया, तो महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है, हम उस युग में जी रहे हैं कि हमको साक्षात महाराज जी के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। ये हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं, और हम वृंदावन के निवासी हैं, हम ब्रज के निवासी हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजियो श्री वृंदावन। यही रानी। और अगर कुछ कहना चाहें? बस अभी फिलहाल में इतना ही कहना चाहते हैं। तो महाराज जी के इंतजार करते हुए सभी भाई राधे राधे। जो भी भाई वीडियो को देखेगा, हम यही चाहते हैं कि आप लाइक करें ना करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, हम चाहते हैं इस वीडियो को पूरी देश दुनिया में भेजे भाई, हर युवाओं तक भेजे, हर युवाओं में वो शक्ति आए जो 2 बजे रात जग के आकर मेहनत करे, थोड़ा खड़ा रहे, महाराज जी के दर्शन पा सके और उनसे कुछ प्रेरणा ले सके। मैं इसलिए दोस्तों ललितपुर लगभग 300-400 किलोमीटर दूर आके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हाँ, मैं तो ऐसे ही उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा जी। तो यहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए आप? हाँ, ऐसे तो उनके शिष्य भी हैं और दर्शन। अच्छा, आप शिष्य हैं। तो कुछ कहेंगे महाराज जी के बारे में? थोड़ा 2 शब्द हम सुनने के लिए बेता है, क्योंकि जब उनकी सेवा में हम सेवा तो कर ही नहीं सकते उतना, मतलब थोड़ा आपसे अगर कुछ मिल जाए। महाराज जी के दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे तो उनके बारे में हम तो मतलब बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत एक शब्द कहिए। लेकिन ये है कि जो वीडियो को देखेगा, हमारे हर युवा भाई वीडियो को देखेगा, उनसे प्रेरणा लें जी, और हर कोई आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए कोशिश करें अपना कर्तव्य पथ पर, और ब्रह्मचर्य पालन करें, और अपना कर्तव्य कर्म को ठीक से मतलब जो पालन करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करें, और कैसे एक इंसान को इंसान का जन्म जो मिला है मनुष्य जीवन जी, और कैसे सार्थक करना चाहिए, उनसे ये प्रेरणा लें और सीखें और इसी मार्ग में आगे बढ़ें। क्योंकि आजकल खाली मतलब जो भौतिक ज्ञान से कुछ होता ही नहीं है, भौतिक ज्ञान के साथ साथ अगर जो आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा ग्रहण कर लेगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, जो भी मतलब मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है और लक्ष्य भी है, वो भगवत प्राप्ति है। अपना कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए
जो भी समाज में हम संसार में जो जन्म मिला है उसको कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए इसी आध्यात्मिक मार्ग में ही चलें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये आध्यात्मिक ज्ञान। इसके बिना आज का समाज जैसे पथभ्रष्ट हो रहा है, आजकल समाज जैसे दुर्गति की ओर जा रहा है, इसलिए गुरु महाराज जी बहुत अपना सत्संग में बहुत सारी चीज़ बताते हैं, उनको श्रवण करिए, मनन करिए, चिंतन करिए और इसी आध्यात्मिक मार्ग। राधे राधे, जय जय श्री राम, श्री हरि। श्री राधे को सुना आपने, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, मार्ग दिखाते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पर रंगोली बनाई जाती है। और छोटी सी बच्ची यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं ना देख पा रहा हूँ और आप देख रहे, छोटी सी बच्ची यहाँ पर रंगोली बनाते हुए देख रही, यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा भाई, मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये रंगोली पूरा दिखाओ, रंगोली किस प्रकार से किसने बनाई और कितना इंतजार है, मैं राधा से पूछना चाहता हूँ। आओ, ये महाराज जी की एक झलक पाने के लिए भाई वृंदावन वासी कई दूर दराज से लोग आते हैं और इस प्रकार से रंगोली बनाते हैं। मैया मैया आपसे बात करना चाहते हैं, मैया थोड़ी मैया कहाँ से हो? राजस्थान से है, लेकिन हम बम्बई से आए हैं। दादा राधे राधे, राजस्थान से है भैया। बम्बई से कब आया? बम्बई से हम आए 2-3 दिन हो गया है। अच्छा, महाराज जी से मिलने के लिए? अरे महाराज जी से एक झलक पड़ जाए तो हम बहुत धन्य समझते हैं। अच्छा अच्छा, बस राजा क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? महाराज जी से बस उनका शरण देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। शरण देखना चाहते हैं जी, लेकिन बूटा पहनने को ले वो शरण मिलेगा कि नहीं? अच्छा, पता नहीं, मिलता नहीं है, नहीं मिलता। राधा राधा बोलिए, राधा राधा। दोस्तों, वृंदावन की पावन धरा पर इस कलयुग में इस प्रकार से लोगों को जो भीड़ और लोगों को जो आस्था है, एक व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति का नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी। ये देख सकते हो भाई रंगोली, तो इस प्रकार से फूल माला के साथ ये रंगोली तैयार करते हुए देख रहे आप, देख पा रहे गुलाब की पंखुड़ी और गेंदा फूल की पंखुड़ी से यह पर रंगोली बना दी गई। और ये सब महाराज जी के आगे जितने भी नज़र जा रहे सारे लोग कुछ ना कुछ रंगोली बनाकर तैयार है। दोस्तों, इस तरीके की नज़ारा आपको देखने के लिए वृंदावन की गलियों में आना पड़ेगा। वृंदावन के जो छोटे परिक्रमा मार्ग है उससे थोड़ा आगे आपको आना पड़ेगा, जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज 2:30 बजे निकलते हैं। इस तरीके की रंगोली देखने के लिए दोस्तों, इस रोड पर जो रात जग के लोगों ने ये रंगोली बनाया, एक झलक पाने के लिए श्री जी प्रेमानंद जी महाराज। राधे राधे, चले आएंगे बिहारी। दोस्तों, ये वीडियो यही तक समापन नहीं है, ये पहला भाग है, और भी आगे आपको देखने के लिए दूसरा भाग देखना पड़ेगा, जो इसके बाद दूसरा भाग आएगा, ये पहला भाग बनने जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में सुना, साक्षात श्री जी वास करते हैं और कलयुग में अगर कोई भगवान है वो प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। राधे, यहाँ पर ये रंगोली देख सकते हो, कितने बड़े रंगोली। प्रभु जी, कितने बजे से काम कर रहे हो प्रभु जी? ये अच्छा, तो कहाँ से हो प्रभु जी? बम्बई से है। ये रंगोली काफ़ी अच्छा बनाया महाराज जी के लिए, श्री जी के लिए, श्री जी करवा रहे। तो आप देख सकते हो भाई, श्री जी करवा रहे, इनका कहना है काफ़ी लंबा है भाई,
आप अगर देखोगे इस प्रकार से और काफ़ी भाई भक्ति के साथ, और कहना है कि कोई मेहनत नहीं कुछ नहीं, सब श्री जी करवाते हैं। तो आप देखो इतना बड़ा रंगोली यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, और रात को 1 बजे 12 बजे 2 बजे लोग आ जाते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो रंगोली बनाई गई, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी समय भी इसमें लगा होगा। तो आप देख पा रहे ऐसे रंगोली बनाने के लिए कितना समय इन लोगों को लगा हुआ है, और श्री जी के लिए महाराज जी के श्री चरणों के धूल इस रंगोली के ऊपर पड़े, इन्हीं के लिए ये भाई इतना रंगोली बनाया। हमारे माताओं ने देख सकते हो यहाँ पर इस वाली रंगोली को, आप देखकर समझ सकते हो कितना मेहनत से ये लोग ये रंगोली बनाए होंगे। राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों आप देख पा रहे श्री जी के लिए और महाराज जी के श्री चरणों के धूल इस रंगोली के ऊपर पड़े, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर भाई रंगोली सजाए गए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर महाराज जी के श्री चरणों की धूल इन रंगोली के ऊपर पड़े, रात जग कर महाराज जी के एक चरण एक झलक दर्शन पाने के लिए कितने दर्शक यहाँ पर आए हैं। और कहाँ से आए भाई साहब, आप कहाँ से हो? मुरैना से। मुरैना, मध्य प्रदेश से। मुरैना से कब आए यहाँ पर? हम वो गोवर्धन परिक्रमा दे के सीधे आए इधर। अच्छा। कल आए थे हम महाराज जी के दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा। साक्षात उनमें राधा रानी वास करती है। अच्छा, अच्छा। महाराज जी में। हाँ। और प्रभु आप कहाँ से? राधे राधे। एमपी मुरैना से। एमपी मुरैना से, साथ ही में हो? साथ में। और ये रंगोली आप लोगों ने बनाया? जी हमने बनाई। अच्छा, कब आ गए थे आप? हम लोग करीब 1 बजे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए थे। हाँ। महाराज जी के चरण रज के लिए, उनकी चरण रज। जी जी, कोई बात नहीं, हम उनके लिए आजीवन ऐसे ही बैठना चाहते हैं, सिर्फ चरण रज के लिए। तो काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हो भाई। थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं रंगोली को और दिखाते हैं, और अभी उनके आने का समय भी नज़दीक आने वाला है और आने वाले हैं वे। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट में, क्योंकि श्री चरणों की धूल इस पावन धारा वृंदावन में, और हम लोग आज पिछले 5 दिनों से उनकी भाई वृंदावन में हैं, और उनकी झलक पाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग राधे राधे सभी भाई, राधे राधे, राधे भैया, राधे राधे, आगरा से भैया, आगरा से बहुत दूर से। तो बहुत यहाँ पर भी रंगोली बनाई जा रही, अभी 2:15 बज रहे, थोड़े समय बचे हैं कि भाई महाराज जी अभी यहाँ आएंगे और सभी लोग दर्शन करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, उनकी आशीर्वाद लेंगे। तो आप भी वीडियो में बने रहिए, आप देखते हो सुरेश के ब्लॉग्स चैनल पे, और भाई राधे राधे ज़रूर बोलना।